नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में और मैं मानस मिश्रा। आप सभी लोग ज्वाइन किए हुए हैं निराला बैच और इस बैच में अब तक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत सारे चीजें डिस्कशन हो चुके हैं और अब यूनिट फोर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं और नाटक, कहानियां, निबंध, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि हिंदी तर चीजें कही जाती हैं इनको, जिनको प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। काव्य शास्त्र की कक्षाएं भी हो चुकी हैं आपकी, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से भी उनको देख सकते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। और जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है बैच या जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, तो टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं कल से, तो आप सभी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। कंटिन्यू 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। इससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके माध्यम से जो प्रश्न बन सकते हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो आज की कक्षा में हम प्रयोजन मूलक हिंदी जो यूनिट 4 में है, ठीक है, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसी शाखा भाषा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अनुप्रयुक्तता के आधार पर, यूज के आधार पर, मतलब किस प्रकार से हिंदी को हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो इन सारी चीजों को अध्ययन करने के लिए जिस शाखा का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का अर्थ समझिए पहले क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, आप बिना किसी उद्देश्य से काम नहीं करते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपको आपके पढ़ने के पीछे उद्देश्य है कि आपको सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना है किसी भी तरीके से और हमको एक अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते रहते हैं और आपको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन तैयारी का पता कब चलता है, जब हम लोग परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, उसका उपयोग कहाँ होना है, परीक्षा में बैठने के बाद। इसी प्रकार हिंदी का उपयोग कहाँ होना है और हिंदी का प्रयोग भारत के कहाँ किन किन क्षेत्रों में हो सकता है या भारत के क्या विश्व के किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। एक कहावत है कि जो हिंदी है वो प्रेम की भाषा है, प्यार की भाषा है, और अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। तो व्यापार और बाजार की भाषा के रूप में भी अब हिंदी को शामिल किया गया है और किया जा रहा है, इसलिए एक ऐसी शाखा बनाई गई जहां पर इंग्लिश का विरोध ना कर इंग्लिश के बरक्स ही हिंदी को रख दिया गया और इसलिए ये प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत होती है हमारे हिंदी साहित्य में और इसलिए आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई है ताकि आप लोग बेरोजगार ना रहे। हिंदी का बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके रूप क्या है और इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो सकता है या होता है, उन सभी के बारे में चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, आप प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या समझते हैं, चार विकल्प दिए जाते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है कि आप हिंदी के प्रयोग से है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है कि आप हिंदी के दूसरे रूप या अंग्रेजी के अनुवाद से है, तो इस प्रकार के विकल्प होते हैं। तो मुख्यतः है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है कि प्रयोग में लाया गया। प्रयोजन मूलक का अर्थ क्या है, प्रयोजन मूलक का अर्थ होता है प्रयोग में लाया गया या प्रयोग के उद्देश्य से किसी चीज को लाया गया। ठीक है, इसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी का आशय क्या है, ऐसे हिंदी से है जिसके माध्यम से प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जो भी उनकी अभिव्यक्तियां हैं उनको व्यक्त करना ही हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य है। जैसे कि हम लोगों के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं तो उसको हिंदी में आम भाषा में या बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त कर देते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यहां से मेरे भीतर जो विचार था हमने दूसरे को विचार दे दिया। ठीक है, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, यहां पर संवाद धर्मिता ज्यादा होती है, भाव धर्मिता नहीं होती है। आशा यह है कि प्रयोजन मूलक हिंदी में भाव की प्रधानता नहीं होती है, यहां भाव संवेदनाएं कुछ नहीं होता है, यहां पर जो कहा गया है जैसा कहा गया है आपको वैसे ही में अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, यदि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको टाइफाइड है तो आपको मानना पड़ेगा टाइफाइड है, भावनाओं में मत बहिए। ठीक है, कि डॉक्टर ने कहा टाइफाइड है तो इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, नहीं, आपको इसके साथ परहेज भी करना है, इसलिए जो कहा गया है वही होता है, ये है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक, तो ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, जैसे कि मंगल मिशन है, मंगल मिशन यदि है तो मंगल मिशन मंगल के लिए ही होगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंगल मिशन बोल के चंद्रमा पे लैंड करवा देंगे, तो नहीं होगा ये चीज। तो ये जो भाषा है, बोली है, तो ये सारी चीजें प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं और इसलिए इस शाखा को भाषा विज्ञान की एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक शाखा होती है उसके अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत, अप्लाइड लिंग्विस्टिक।
ठीक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। जब आप बीएचयू में आएंगे तो उसका एक अलग से पाठ्यक्रम भी है, जेएनयू में भी एक अलग से पाठ्यक्रम है और डीयू में भी अलग से पाठ्यक्रम है और कई जगह बीए के पाठ्यक्रम में भी लगाया गया है, इसलिए आपके सीयूईटी सिलेबस में भी ये लगाया गया है। तो इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रयोग भाषा या प्रयोजन मूलक भाषा विज्ञान या प्रयोजन मूलक हिंदी के संदर्भ में नहीं है या है, ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो गया। नाट्यशास्त्र, यहाँ पर कला से संबंधित है कि नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के संबंध में भी, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र में कौन सी जांच आपके लिए लिख दी जाती है तो आपको सटीकता से वही जांच ही करवानी होती है। तो ये नहीं कि मलेरिया लिखा हुआ है तो आप टाइफाइड की या फिर आप किसी अन्य चीज की जांच करवा लें। ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, गणित, इंजीनियरिंग, तर्कशास्त्र, सामाजिक, दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारी चीजों में जो प्रयोजन मूलक हिंदी एक अहम अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में निकलकर सामने आती है। और इसमें एक छोटी सी बात, छोटी छोटी जानकारियां ये है, जैसे ज्योतिष है, ठीक है, ज्योतिष में आप संस्कृत का इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन संस्कृत आम भाषा नहीं है या फिर हम नहीं समझा सकते हैं किसी को। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपको सरल भाषा में और जो चीज है आपके फल में लिखा होगा आपको उसी फल के रूप में सामने दिखाई देता है। एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐप भी बनाए गए हैं, तो उन ऐप में क्या करते हैं, हिंदी ही तो उपयोग करते हैं। तो कौन सी हिंदी होती है, वो प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। आजकल मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग में खासतौर पर एक नया बिजनेस शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंटेंट राइटिंग। ये कंटेंट राइटिंग क्या है, ये कंटेंट राइटिंग क्या है, तो एक्चुअली कंटेंट राइटिंग कुछ नहीं, ये प्रयोजन मूलक हिंदी ही है, प्रयोजन मूलक है, ठीक है। अब ये हिंदी के उपयोग में लिया जाए तो हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से आप देखते हैं अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हुई, भारत में उसको सैन जमाने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए उसको हिंदी की जरूरत पड़ रही है आजकल। तो आजकल कंटेंट राइटिंग जैसी चीजें सामने आ रही हैं कि उसको डिस्क्रिप्शन लिखवाना होता है, कोई भी बुक का रिव्यू लिखवाना होता है, तो वो हिंदी वाले लोगों को खोजती है और एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इसमें 30% ऑफ होगा, आपको 30% की छूट दी जाएगी, या फिर इस किताब को पढ़ने से आप अपने व्यक्तिगत या मानसिक रूप से आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा सकेंगे, जैसे कि यूपीएससी क्रैक कैसे करें, आईएएस कैसे बने, ठीक है। तो ऐसी किताबें भी मार्केट में मिलती हैं, तो इन सभी का प्रयोग ही इस तरीके से हो जाता है, ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, जो भाषा है ये। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, तर्कशास्त्र के क्षेत्र में भी देख लीजिए, तो अन्य जो भाषाओं की अपेक्षा हिंदी को सामने लाना और हिंदी को प्रयोग में लाना, ये प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य है और यहाँ पर इनके प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम समझ लेते हैं कि प्रयोजन मूलक जो शब्द है, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, कोई इसमें भावनात्मक या संवेदनात्मक भाषा नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि किसी की संवेदनाओं से मिलकर बना हो। ये मूलतः एक अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, जिसको हमने अभी बताया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एक शाखा होती है भाषा विज्ञान की, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। भाषा विज्ञान की और भी अन्य अन्य शाखाएं होती हैं, लेकिन जो एक शाखा होती है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी को रखा गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें आधुनिक भाषा चिंतन की प्रणाली को रखा जाता है। आधुनिक भाषा चिंतन क्या होता है, वर्तमान समय में भाषा को लेकर जो समझ है, जैसे कि वर्तमान समय में यदि हम एक आम को आम के तौर पर देखते हैं, लेकिन यदि वर्तमान समय में अब मोबाइल जैसी टर्मिनोलॉजी आ गई है, या फिर एक कैमरा जैसी टर्मिनोलॉजी है, या फिर एक पेन या कलम जैसी, या डिजिटल कलम जिसको कहते हैं, ऐसे शब्दावली यदि आपके जहन में या फिर आपके समाज में है, तो उसको भी एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी में है और वो बाजार में लाई जाती है, ठीक है। समझ लेते हैं कि इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, अंततः ये प्रायोगिक होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। आप किसी भी शब्द को उठाकर देख लीजिए, यदि हमने प्रयोग किया एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल ये शब्द आपको हिंदी का कई जगह हिंदी में ही इस तरीके से मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अब आप इसको नकार नहीं सकते क्योंकि ये देवनागरी लिपि में लिखा गया और हिंदी का शब्द है, इसको लोग ज्यादा समझेंगे प्रायोगिक शब्द की अपेक्षा, ठीक है। तो किताबों ने भी ये चीज इस्तेमाल की है कि किताबों की भाषा ज्यादा प्रयोगात्मक हो, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्रायोगिक भी है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि हम लोग आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा एक अलग होती है, लेकिन यदि हम कामकाज की भाषा हो या फिर संपर्क भाषा हो, संपर्क भाषा, ये सारी चीजें हम बताएंगे अभी, तो उन सभी में हम क्या करते हैं, बीच की लैंग्वेज खोजते हैं, तो वो
ये प्रयोजन मूलक हिंदी ही सामने निकल कर आती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट होती है, इसमें कोई गूढ़ता नहीं होती, इसके अंदर कोई रहस्यवाद जैसी चीज नहीं होती, इसके अंदर कोई कला या भाव या शिल्प पक्ष नहीं होता है, जैसा है वैसा है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि ये किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी है, तो आधुनिक सामाजिक जीवन में, ठीक है, आधुनिक सामाजिक जीवन में देखा जाए, या फिर सरकारी प्रशासन की भाषा, वाणिज्य की भाषा, व्यावसायिक भाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा, तकनीकी की भाषा, इन सभी क्षेत्रों में, सभी स्थितियों में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कौन? प्रायोगिक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रतिपूर्ति हेतु प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप हमको सामने दिखाई देता है, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में बात कर लें तो ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। कई बार आपको कथन या निष्कर्ष में इस प्रकार के प्रश्न मतलब आते ही है, प्रश्न पूछा भी गया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो क्या है, वो आपका एक साधारण शब्द है और यह एक कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि एक पारिभाषिक शब्द है। ये क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द कैसा है? क्योंकि इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा क्या है? परिभाषा यह है कि एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना, एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो, ठीक है। एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो, तो वो क्या होगी, क्या होती है? प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। आपको ये परिभाषा, ये एक स्वरूप समझ में आ गया होगा मोटा मोटी, ठीक है। अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से अब देखते हैं कि अनुप्रयुक्तता या फिर बोल सकते हैं कि यूज की दृष्टि से आप किस प्रकार से इसको प्रयोग कर सकते हैं, या प्रयोग की दृष्टि से हिंदी के प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालय, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण एक शब्द है, ये एक वैज्ञानिक शब्द है, ठीक है। अब आप प्रकाश संश्लेषण के शब्द को तकनीकी शब्द नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तकनीकी शब्द क्या हो गया? तकनीकी शब्द हमने कह दिया कि जैसे कि फोटोग्राफी, ठीक है, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, या अब हिंदी का एक शब्द है आप लोगों को बता दूं मैं, अनुरणन, ठीक है, अनुरणन वैज्ञानिक शब्द है, हिंदी का शब्द है अनुरणन, लेकिन ये अन्य जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ ध्वनि के रूप में या ध्वनि के संबंध में ही प्रयोग कर सकते हैं। अनुरणन दो चीजों के बीच की जो टकराहट के बीच बीच में जो जो फ्रिक्वेंसी आती है, जो ध्वनि निकलती है, उसको हम लोग इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं या आवृत्ति बोल देते हैं, लेकिन वही शब्द यदि हमको हिंदी में प्रयोग करना होगा तो उसको हम अनुरणन बोलेंगे, ठीक है। तो जो शब्द जहां पर है, जैसा है, सटीक है, उसको वहीं पर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से भी प्रयोजन मूलक हिंदी राजभाषा अलग होती है, ठीक है, राजभाषा के साथ साथ वाणिज्यिक भाषा और व्यावसायिक भाषा, ठीक है, कि इतने रुपए की छूट है तो एक व्यावसायिक भाषा हो गई है, ठीक है। इसमें हम सारी चीजों को देखते हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, ठीक है। और प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है उसकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपनी एक प्रयुक्ति होती है, अपनी एक भाषिक संरचना होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त होती है यह भाषा, ठीक है। और यह एक प्रकार से जितनी भी शब्दावली होती है वो तकनीकी होती है और पारिभाषिक होती है, ठीक है। आगे है कि सामाजिकता, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप भी प्रयोजन के आधार पर हिंदी का स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है। हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, हिंदी क्या है, एक सुस्पष्ट है, गंभीर और वाचार्थ प्रधान, सरल और सार्थक भाषा होती है, यह हम सभी लोग जानते हैं। सामान्य हिंदी में हम लोग मुहावरे और अलंकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसमें संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जैसा कहा जाता है वैसा ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है, मतलब बोलचाल की हिंदी कह लीजिए और साहित्यिक हिंदी, ये दोनों ही प्रयोजन मूलक हिंदी से अलग होती हैं। तो क्योंकि इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी में कहना वही है जो जैसा लिखा गया है, जबकि संवेदनाओं के आधार पर जो आम बोलचाल की हिंदी है वो इन सबसे अलग होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जैन साथियों, प्रयोजन मूलक हिंदी की कक्षा निरंतर चलती रहेगी और आप सभी लोग भी पढ़ते रहें। धन्यवाद।